हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आशु मगर। सो वी आर गोइंग टू फॉर ए राइड। तो हम लोग कहीं पे जा रहे हैं अभी रिसेंटली। अभी प्लान नहीं बना कुछ भी, हम लोगों ने एकदम ही प्लान बना दिया घर से। इन लोग बोल रहे हैं अभी सनासर वाले रोड पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट वगैरह करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए रील वगैरह बनाएंगे वहाँ पे थोड़ा। तो बाकी भाइयों के साथ मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो आप लोगों को बता देता हूँ सनासर के लिए रोड कहाँ से पड़ती है। हम लोग मेन जो हाईवे जहाँ से गए नहीं, जहाँ से मैं मेन नगरोटा सिद्धड़ा पुल पे निकलता हूँ इस रोड से, तो मैं पेट्रोल भरा के अभी वहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो अब हमें सनासर वाली रोड पे जाना है, मैं आपको बताता हूँ। रोड से आते हैं तो हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है दूसरे रोड पे। चलते हैं आगे, जब पुलिस स्टेशन क्रॉस करके जाना पड़ेगा हमें आगे। तो ये सनासर को रोड जाता है। तो बाकी गाइस हमारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे पार्टी वगैरह चल रही है, संडे सेलिब्रेट कर रहे सारे। नहीं शहर एक से राज, एक से रोज, एक से नाम, एक से हो हो, फिर से उड़ चला हूँ मैं। मतलब यहाँ पे रोड पे आओगे तो बहुत मोड़ है, यहाँ पे कट्स हैं, यहाँ पे तो सेफली ड्राइव करना थोड़ा, यहाँ पे रैश ड्राइविंग नहीं करना, रैश ड्राइविंग नहीं चलेगी यहाँ पे। अपनी सेफ्टी भी देखना, घर वालों को भी सोचना थोड़ा, परेशानी नहीं देना उनको ज़्यादा। तो अभी बंटी भाई के साथ अभी हम लोग ठुकने वाले थे हम लोग, तो मैं थोड़ा जैसे इनके पास आया तो डेनू ने भी एकदम ब्रेक प्रेस कर दिया ब्रेक अपना। तो हम लोग अभी एकदम मतलब कि अनहोनी होने लगी थी अभी। ये देखो कैसे डर रहे हैं मेरे से, कैसे डर रहे हैं मेरे से, खौफ देखो खौफ। जैसे इनके पास आ रहा हूँ ये पता नहीं कर रहे, ये देखो क्या हुआ। हाँ डीनू तू डर गया था, डर गया तू, तू डर गया था। नहीं यार तो आप लोग भी गाइस अगर सनासर वाली रोड पे आओगे तो आपको काफी व्यू मिलेगा यहाँ, फोटो पिक कर लेंगे, काफी हिल्स वगैरह है यहाँ पे, तो आप लोगों को मजा आएगा यहाँ पे थोड़ा। पर डिपेंड करता है मजा लेने, जगह जैसी मर्जी हो, आप लोगों को एंजॉय करना आना चाहिए, बंदे आपके पास अच्छे होने चाहिए एंजॉय कर, ये नहीं कि फूफा ज़्यादा तभी मज़ा आता है। मतलब सब एक दूसरे को समझना चाहिए, सबके मतलब एक दूसरे के नेचर मिलने चाहिए, बात मिलना चाहिए उनका, तभी जाके मतलब बनता है ट्रिप में जाने का प्रोग्राम। ऐसे आप लोग जाओगे एक दूसरे में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तुम्हारे, तो ट्रिप का भी आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो इतनी बॉन्डिंग रखना कि आप लोगों ने ट्रिप में बेनिफिट उठाना है, मज़ा लेना है आप लोगों ने, तो ऐसे आर्ग्यू वगैरह एक दूसरे से ना करें तो बेटर रहेगा। तो आगे चलते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आपसे, चलो चलते हैं आगे फिर। तो हम लोग पहुंच गए पुल पे अभी, मज़ा आ रहा है अभी पुल पे हमें, तो मतलब हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बाकी इंडिया फटे हुए अभी कर दूंगा, फाड़ दूंगा। तो गाइस अभी हम लोग फर्स्ट व्यू पॉइंट पहुंचने वाले हैं अभी सनासर का जो पड़ता है हमें, तो वहां पे हम लोग थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं पीछे से जो आ रहे भाई लोग उनका, थोड़ा यहां पे रुकते हैं। तो फर्स्ट व्यू पॉइंट हम लोग पहुंच गए हैं यहां पे अभी, तो काफी रश है यहां पे, संडे थोड़ा आई हुई है पब्लिक, यहां पे आगे भी आई होगी। तो यहां पे मैं लास्ट टाइम आया था तो एक अंकल थे यहाँ पे, तो वो बोल रहे थे यहाँ पे जंगली मुर्गी है, तो जंगली मुर्गी खाने का कभी मन हो आप लोगों को कभी तो यहाँ पे आ सकते हो। तो ये यहाँ की जंगली मुर्गी है, दिख रहा होगा आपको मे भी कैमरे में, तो नाम भी पढ़ लेना आप लोग जो लिखा हुआ है इसमें, पुश करके देख लेना कहाँ पे किस हिसाब से क्या क्या नाम से इसको बुलाते हैं। तो सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे सनासर के पहले व्यू पॉइंट में हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे दूसरे राइडर भी आ गए हैं यहाँ पे अभी, थोड़ा पेट्रोल पंप में थे ये लोग। तो यहाँ से व्यू देख लो कितना अच्छा दिख रहा है, पहला फर्स्ट व्यू पॉइंट है यहाँ पे।
ये तभी का पानी आ रहा है जो हमारे घर के वहाँ बैक साइड आता है। तो यहाँ रुक के भी आप लोग रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, थोड़ा पिक वगैरह खिंचवा सकते हो। यहाँ पे सनासर वाली रोड पे पड़ता है ये व्यू पॉइंट। चलो चलते हैं यहाँ से, थोड़ा हम लोग आगे जाना हम लोगों को। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो भाई आगे चलते हैं। तो अभी गाइस हम लोग व्यू पॉइंट से आगे निकल गए हैं, अभी आगे सनासर को रोड जा रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग दर्शन करने के लिए भी जा सकते हो, वहाँ पे बाबा जी का मंदिर है। वहाँ पे मोड काफ़ी है तभी मैं आराम से चला रहा हूँ अभी, तो कट के बाद कोई गाड़ी घोड़ी ना आ जाए आगे से, है डर ही लगता है। अभी शादी भी नहीं हुई है। ये बड़े बड़े चट्टान देख के याद आ जाए किसी मूवी की यार, शोले मूवी की याद आ रही है। अरे कालिया कितने आदमी थे, सरकार दो फिर भी खा के आ गए मार। हाँ चलो चलो, तो हम लोग हाँ यहीं पर हाँ हाँ तो यहीं से तो गए थे उस दिन हम लोग। चलाओ बाबा पैंट पहुंच गए हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोग आगे दर्शन करने भी जा सकते हो, खाने पीने की चीज़ें आगे व्यू पॉइंट में वहाँ साइड लगी हुई है पीछे, आप लोग वहाँ पे ले सकते हो। हमने खाना पीना कुछ नहीं है, वीडियो सिर्फ शूट। तो हम लोगों ने खाना नहीं है कुछ भी, तो ऑफ रोडिंग है। तो अब हम लोग यहीं से जाएंगे अभी आगे। लास्ट टाइम हमने पीछे लगाई थी बाइकें, पर इस टाइम बाइकें हम लोग निकाल सकते हैं, रास्ता इतना भी ख़राब नहीं है। मतलब रास्ता ख़राब है, पत्थर वगैरह लगाए हुए हैं कि लोग यहाँ से ना आ सके। तो गाइज अभी मैं यहाँ से ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, आप लोग ऑफ रोडिंग कर सकते हो अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ से जा सकते हो आप। तो हम लोग ने यहीं पे बाइक लगाई। तो मैं यहाँ से आगे पैर देवता का रास्ता दिखा देता हूँ जो मेन नगरोटे से भी निकलता है और यहाँ से थोड़ा पास पड़ता है आपको, तो यहाँ से भी थोड़ा आगे जाके दिखा देता हूँ। डीनू भाई आगे पहुँच गए, तो मैं दिखाता हूँ आपको रोड। तो गाइज बने रहना वीडियो में। तो सी आप लोग देख सकते हो रास्ता कितना खराब है यहाँ पे। रास्ता पूरा टूटा हुआ है, कोई नहीं। पूरा रास्ता खराब है, तो लगभग पहुंच ही गए यहाँ पे। बहुत ख़राब रास्ता है। यहाँ से आप लोग पैंट देवता की चढ़ाई जा सकते हो। यहाँ से थोड़ा चलना पड़ेगा एज़ कम्पेयर नगरोटे से, थोड़ा कम ही है। तो इस रोड से जाओगे आगे आप लोगों को पैंट देवता का रास्ता मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, दिखता है यहाँ पे। तो आ सकते हो आप लोग फैमिली के साथ अपने यहाँ पे घूमने के लिए। हाँ ये रास्ता नगरोटे में मिल जाएगा आगे। हाँ 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 जाते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, कोई नहीं चढ़ाई है, चलते। चलो फिर मैं वापस जाता हूँ यहाँ से। डीनू तू आएगा नहीं, चल तू आ। मेरी टायर तो काफ़ी स्लिप हो रही थी यहाँ पे। चलते हैं आगे। Thank you.
रहा है यहाँ पे, रास्ता खराब है थोड़ा, देखता हूँ। थोड़ा बाइक मुश्किल हो रही है चढ़ाने में, कोई नहीं मैं इसको लेता हूँ अभी थोड़ा साइड पे, थोड़ा इसको उठा के यहाँ पे चलता हूँ। बस 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 हो गया, थैंक यू ब्रो, ऑल गुड। हाँ ऑल गुड। उठाई देशो है, बोक देशो है। रामी बोक देशो कर लाई है। तो आपका भाई आ गया गाइस आपके पास। तो आपको कैसा लगा राइड का मजा आया होगा काफी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा ट्रैकिंग करके उतर के आ रहे हैं। साजे हम लोग जंप आने जानते नहीं वैसे। जो हमने जंप किया था ना वो आना चाहिए था इस वीडियो में। कोई नहीं, गिरने लगा था, थोड़ा थोड़ा स्लिप वगैरह ना हो जाए, यहाँ से आराम से जाना भाई, मुश्किल नहीं है, यही रास्ता है, थोड़ा आराम से चलो, फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, डीनू वगैरह जो वहाँ पे पहुँचे हुए अनिकेत उनके पास। डीनू ही है वो यार, अनिकेत। तो ये कटरा से जाने वाला टनल भी है यहाँ पे, मैं भी कैमरे में नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, आपको आगे जाके दिखा देता हूँ मैं थोड़ा। चलो भाई ओ गया 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 गया, मैं बच गया, ओए स्लिप हो गया था भी मैं, बच गया। तो यहाँ बैठे थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने बाइक के ऊपर ही लगाई है यहाँ पे, ये पास में आपको दिख रही होगी, जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम करके। तो यहाँ से हम लोग आए हैं अभी, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत सारी वीडियो हैं अच्छी अच्छी तो गाइज़ अभी वीडियो शूट हमने कर लिया है यहाँ से, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर को, अंधेरा भी होने वाला है, तो अभी हम लोग यहाँ से अब जाते हैं घर को, रेडी हो रहे हैं। चलो फिर सामान पैक कर लेते हैं, चलो चलते हैं यार यहाँ से यार। तो गाइज़ मैंने आपको बाबा पैंट देवता जी के बारे में बताया था, तो वहाँ की ट्रैकिंग के बारे में, तो मतलब कि काफ़ी है यहाँ से, मतलब चार पाँच किलोमीटर तो है वहाँ से, जब मैं नगरोटे से गया था यहाँ से, तो कम ही होगा, तो बाइक वगैरह होगी आपके साथ, तो थोड़ा आपको रास्ता कम मतलब कि तय करना पड़ेगा, जल्दी पहुँच जाओगे मे भी बाइक में, ऑफ रोडिंग है पर समझ गए ना आप, मतलब मैंने बहुत मुश्किल से चलाया, आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैंने कैसे चलाया है। तो वहाँ पे जाओगे आप, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे मतलब फिश वगैरह है, मछलियाँ वगैरह है तालाब पानी के अंदर, तो वहाँ पे फिशिंग वगैरह नहीं कर सकते आप लोग, मछली वगैरह है वहाँ पे, तो वो देवता की जगह है, तो वहाँ पे आप लोग कर नहीं सकते। और अगर वहाँ पे आप लोगों ने प्रसाद खाया जो भी वहाँ पे चढ़ता है, तो आप लोगों को ये रहेगा कि वहाँ पे उसके बाद आपको फिश वगैरह खानी नहीं पड़ेगी कभी भी फिश, क्योंकि माननी पड़ेगी क्योंकि वो देवता की जगह है तभी। तो अभी मेरे बैक साइड से ट्रेन जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये कटरा की ट्रेन है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, तो ये कटरा को जाती है अभी, ये फ़िलहाल तो अभी जम्मू जा रही है कटरा से होके, ये न्यू टनल अभी बनाया है इन्होंने। चलो फिर हम चलते हैं आगे यार, बस इनकी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही अभी। हाँ बोल रहे, एक एता होने से, एक उता होने से और इटा बीच में, बाकी को होने से वीडियो में, तो हेरी आलो बाकी ला एंड कर दिनू वेंचर मतलब कि इट मीन्स उसे, इसका मतलब कि वीडियो में कौन कहाँ पे रहेगा, कौन कहाँ पे रहेगा, तो देख लेते हैं, वही बोल रहा हूँ उस चीज़ के बारे में।
हैंग हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब बनाते हैं फिर रील, एक तो लास्ट बना के निकलते हैं। कहाँ कर रहा है सुसु, ऐसे ही बोल रहा है तू यार, कहाँ सुसु कर रहा है? चल यार चश्मा भी हाल दे, मुँह ते को डाले छी ना भाई, तेरे टेंशन ना लेता के ना, टेंशन ले रहे भाई इस तो मतलब हाल ही कोई। वाओ व्हाट ए यार, बहुत सही लग रहा है यार। एक रील बना इसका यहाँ से यार। हाँ सर आया, ये रील बनाने के लिए बोला। आज देख कैसे चढ़ेंगे यार। अब चढ़ेंगे जैसे आए थे स्पाइडरमैन की तरह, जाएंगे हीमैन की तरह। भाई वीडियो देखा ही मत करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और बेल आइकन भी दबा दिया करो। हाँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। हाँ थैंक यू, इतनी मेहनत करते हैं यार आप सबके लिए, हम भी करते हैं। वो तो है भाई, आपका ही सब करने में कुछ तो नहीं जाएगा, वो भी सही बात बोल रहे हैं दिनू भाई भी। चलो कोई नहीं, कोई बंदा अगर इतनी मेहनत कर रहा होता तो उसे लाइक और सब्सक्राइब तो करने बनता ही है यार। बाकी व्यूअर के ऊपर होता है, जो देखने वाला उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसा हमारा वीडियो लग रहा है, क्योंकि सबका एक जैसा माइंड नहीं होता। तो चलते हैं ऊपर, कोई नहीं, वैसे सपोर्ट तो आ ही रहा है मेरे को काफ़ी यार। मतलब अभी तक इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया, सारे बोल रहे अच्छा जा रहा है आशु भाई, लगे रहो, आपकी वीडियो भी अच्छी बन रही है। तो बाकी ये बना बना के वीडियो थोड़ा लोगों से सीख सीख के तो बंदा कर ही लेता है थोड़ा बहुत यार। थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइस, जो मुझे सपोर्ट बना रहे हैं अभी तक और मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि वीडियो में क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, उसके लिए थैंक्स गाइस। तो चलते हैं फिर आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मुझे भी अब ट्रैकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी यहाँ से। वो लोग तो पहुँच गए ऊपर, मैं भी चलता हूँ थोड़ा आगे। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थोड़ा ये होता है कि बोलते बोलते भी सांसें थोड़ी फूल जाती हैं, और ऊपर से इतने दूर आए हुए यहाँ पर राइड करके तो थोड़ा मुश्किल तो होता है बोलने में। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो मुंह में आता है बोलता हूँ। जो मेरे साथ बंदे होते हैं वो भी वही बोलते हैं जो उनको बोल देते हैं उस टाइम, जो भी आता है, ऐसा फेक कुछ नहीं होता हमारे में। तो मेरे को एक दो बंदे बोल रहे थे वीडियो में, मतलब ऐसा हुआ आपका, ऐसा हुआ, मतलब वो स्क्रिप्टेड थी। वो बंदा आपका जान पहचान का था जो साथ में आपके साथ जो भी चल रही थी बातें, मैं नहीं, वो अननोन पर्सन था, मेरे जान पहचान का नहीं था। ऐसे ही वो बाय मिस्टेक कैसे आ गया कि आपने क्रिसमस वाली और भाई दूज वाली मेरी, दोनों वीडियो में सेम ही था। तो वीडियो देखी होगी तो पता चलेगा आपको, तो देखना जाके मेरे चैनल में। चलता हूँ आगे। तो अभी यहीं से आया मैं नीचे से, सांसें फूल गई बोल बोल के। वो अपने दिल्ली में एक फ्रेंड को कॉल आया, उसको दिखा रहा है वीडियो कॉल में कि हम लोग कहाँ पे हैं अभी। सारे रुक के यहाँ पे आए हैं भर रहे हैं अभी। तो बाइक हमने यहीं पे लगाई हुई है अभी। मैंने ऊपर की वीडियो बनाई हुई थी ट्रैकिंग की, हम लोग यहाँ से आए थे बाइक लेके, सबसे पहले मैं आया था, फिर मेरे को फॉलो करते ये गाइज आए थे अपने। तो एक्चुअली वो वीडियो आई नहीं, इसमें पता नहीं क्या वो कैमरे की बैटरी डाउन होगी मेरी, क्योंकि एकदम ही प्लान बना दिया सुबह सुबह इन्होंने, चलो चलते हैं बोल के, चार्ज ही नहीं हुई बैटरी है। मोस्टली हर टाइम ये ऐसा ही होता है यार। कोई नहीं, मैंने कैप्चर किया हुआ थोड़ा बहुत जो भी है, तो आपको दिखाऊंगा अच्छा सा, मैं मोबाइल से भी कैप्चर किया हुआ है वीडियो। तू क्या हो गया तेरे को, बाइक के पाँव क्यों पकड़ रहा है? हाँ हेलमेट तो ले, मैग्नेटो बना हुआ है तो हेलमेट लगा के बाइक के पैर पकड़ने जा रहा है। ऐसे स्मार्ट लग रहा है तू, सेक्सी लग रहा है ऐसे विदाउट हेलमेट के, ऐसे पोजिंग दे बाबा। फोटो शूट हो रहा है इधर से ऐसे दिख रहा हो, वो अच्छा आ रहा है। सूरज का गेटअप थोड़ा अलग है ना, उसी हिसाब से तो उसका लुक मतलब अच्छा आ रहा है। तो तू विदाउट हेलमेट ही शूट कर बाबा, वो सही आएगा। नहीं हेलमेट एक्सपेंसिव है ना थोड़ा। एक्सपेंसिव तो है ये, मैग्नेटो का हेलमेट है। अगर आप लोगों ने एक्समैन या वुल्वरीन या आप लोगों ने सोशल मीडिया में चलती है मूवी वगैरह आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा ये मैग्नेटो का हेलमेट है। ये भी उसमें भी सांची में भी यूज किया था ना, सांची मूवी में, सांची मूवी में भी यूज किया था। ये फोटो शूट एडिटिंग में लगे हुए हैं अभी। अच्छा है यार, काफी सही है यार। दिखाओ एक बार यार दोबारा, ये देखो वाओ यार। चलो चलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं अभी यार। चलो आओ फिर गाइस, चलते हैं फिर घर को।
अबे लोंडे सबो आओ सबो आ रहे आ रहे सारे आ रहे हैं पिक में आई लव यू लोंडो थैंक यू सो मच थैंक यू आपसे बड़ा बड़ा हूं मैं हां आप लोगों ने देखा अभी हम लोग यहां से जा रहे थे तो रास्ते में यहां पे हम लोग मिल गए थे कोई तो पिक वगैरह ले रहे थे हम सब की तो बोल रहे थे मजा करो डांस करो यहां पे डांस करने के लिए बोल रहे थे हमें तो हम लोगों ने डांस किया नहीं इतना तो हम लोग लेट हो रहे थे हमने बस बातचीत वगैरह की और सेल्फी वगैरह ली उनसे तो हम लोग निकल गए पर वो एक्चुअली जेकेपी से थे मतलब जेकेपी पुलिस से थे वो एक्चुअली क्योंकि मैंने जब आगे गया था तो मैंने उनका आई कार्ड देख लिया था थोड़ा अंदर साइड से दिख रहा था थोड़ा उन्होंने मतलब उसको हाइड किया हुआ था बहुत अच्छे थे नाइस थे मे भी ऑन ड्यूटी नहीं होंगे वो जो भी करते इंजॉय करते अपना किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे तो सब लोगों को अपना इंजॉय करना चाहिए किसी से मतलब कि नॉइस वगैरह ज़्यादा नहीं करनी चाहिए किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए जिससे तो मतलब परफेक्ट क्लीन करते हुए सूरज भाई बोल रहे हैं अभी तो चलते हैं आगे हम भी इंजॉय करते हैं थोड़ा अपना संडे बाहर ही स्ट्रीट डॉग है काके भैया की शॉप में ही रहता है ये ज़्यादातर हेलो तो ये लोग भी यहीं पे रहते हैं सारे सारे अमीर अमीर घर से हैं ये लोग किसी के पास स्कॉर्पियो है किसी के पास बुलेरो है कोई भी किसी के पास मर्सिडीज है यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं ये देखो एक यहाँ पे भी बैठा हुआ है ये भी मालिक है यहाँ के तो यहाँ बैठे हुए हैं सारे अभी ये काका भैया की शॉप है यहाँ पे हम लोग टिक्की कुल्चा न्यूट्री कुल्चा आपको मोमोज कोल्ड ड्रिंक तो ये काका टी स्टॉल जी के नाम से है यहाँ पे खाने के लिए भी अंदर है जगह वगैरह स्पेस है काफ़ी तो आप लोग बैठ के इजीली खा सकते हैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ भी मज़ा आया वीडियो डाला था लास्ट में अंकल जी का एक वीडियो डाला था उसमें मतलब कि सारे बोल रहे थे इनके बारे में कि हाँ वीडियो में अच्छे लग रहे थे है ना वीडियो काफ़ी अच्छी बनी थी ना अंकल जी ऐसे बनाते रहेंगे आशीर्वाद रहेगा आपका तो ज़रूर बनाएंगे हम तो ये काका भैया की डैडी जी थे यहाँ के मतलब कि प्रेसिडेंट है यहाँ के तो ये सुनील दत्त हमारे संजय दत्त यहाँ के संजू बाबा एक डायलॉग मार दो एक डायलॉग बस पेट्रोल नहीं गया था ना कितने बजने डायलॉग उन है ना सही चलो काका भैया फिर बना दो भाई लोग के लिए एक मज़ेदार टिक्की फिर टिक्की न्यूट्री बना दो आप देने हैं यार बना दो यार न्यूट्री तो मंदिर वाले रास्ते से आप लोग जैसे ही आओगे यहाँ से तो आप लोग बागे बहू के गेट के साइड जाओगे तो साथ में ये शॉप पड़ती है आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शॉप है काका इंस्टॉल करके तो आई होप सो आपको वीडियो में मज़ा आया होगा गाइस तब तक के लिए बाय टेक केयर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना मिलते हैं ओके बाय सी यू गुड नाइट